हेलो बच्चों, सो पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वाले पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन के बोर्ड लेवल के सवाल करेंगे, वो भी इन टॉपिक्स के, वेपर प्रेशर के, रॉल्स लॉ के, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एज योर ट्रॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान से सवाल को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर मैं आपको करवा दूं। ठीक बच्चों, सो तैयार सब लोग? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बहुत रेयर होते हैं बोर्ड लेवल पे इस बार इन टॉपिक्स के लिए। पहला लिखा हुआ क्वेश्चन में स्टेट रॉल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कॉम्पोनेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसेंट्रेशन। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला कहता है कि रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सोल्यूशन में अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट है, मान लो ये सोल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, अब दोनों ही धीरे धीरे वेपराइज कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर ए की वजह से होगा और कुछ वेपर प्रेशर हमारा बी की वजह से होगा, तो यहाँ पे रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि पार्शियल, ध्यान देना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। यही आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही आप दूसरे के लिए बता सकते हैं। तो ये हुआ रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों, रॉल्स लॉ की ये हुई स्टेटमेंट। अब साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें ऐसे सॉल्यूशंस के दो एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब भाई, रॉल्स लॉ को जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, रॉल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, याद दिलाओ, उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। याद है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये लिख सकते हो कि भाई जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू या ऑलमोस्ट सिमिलर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप ये वाला जरूर लिखें कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो मिक्स करने पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ना, ठीक है, वो आपका कितना आता है, जीरो। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो होता है वही ऑब्जर्व होता है, ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज। या आप ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ना तो एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी गेन होती है। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन के आंसर देंगे। लैंग्वेज फॉर्म में स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद में आइडियल सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत मन से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। भाई, पार्ट वन में तो यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया तो किस टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एसीटोन आपका होता है CH3CO CH3, ये एसीटोन है, और क्लोरोफॉर्म है CHCl3। दोनों को मिलाने पर पूछा गया है कि किस टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एजियोट्रॉप जो होते हैं वो दो टाइप के हैं भाई। एक को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, और एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का,
एजीट्रॉप की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। अगर मान लो आप में से किसी को एजीट्रॉप में प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया, आप जरूर देख ले ध्यान से। अदरवाइज एजीट्रॉप कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मिनिमम बॉइलिंग एजीओट्रॉप कौन शो करते हैं। ये वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और नॉन आइडियल के वो सोल्यूशन, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं बच्चों, ठीक, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजीओट्रॉप शो करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि भाई इस वाले केस में कौन सा एजीओट्रॉप बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर बताऊं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की अपनी कुछ बॉन्डिंग होती है बिफोर मिक्सिंग, एसीटोन एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म के साथ। लेकिन जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिला दिया जाता है तो ध्यान से देखें इनके बीच ये जो आपका क्लोरोफॉर्म और जो आपका एसीटोन का सी और एच ग्रुप है, ये इनके बीच इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और इस बॉन्ड की वजह से, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड है जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनकी पहले वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा, यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म के साथ और एसीटोन की एसीटोन बॉन्डिंग के साथ की बात की जाए तो इनकी जो ये क्रॉस बॉन्डिंग है, इसकी ये ताकत जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे दिखाए गए हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग इनके प्रीवियस वालों से ज़्यादा ताकतवर है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप समझ चुके होंगे कि पार्टिकल्स जल्दी वेपराइज नहीं होंगे। ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बेटर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स का वेपराइजेशन कम हो जाएगा, और वेपराइजेशन अगर कम हो जाएगा तो ये कौन सा डेविएशन, ये मिक्सचर जो है इसका वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आएगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप समझ चुके होंगे राउल्ट्स लॉ से कम वेपर प्रेशर जिसका होता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा केस है, नेगेटिव डेविएशन का केस दिखा रहा है। अब आप समझ जाइए नेगेटिव डेविएशन का केस कौन से एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब ये वाला केस हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो कर रहा है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लें और इसको समझ लें और उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल ये रहा जो कि बिल्कुल पिछले प्रीवियस सवाल जैसा है, लिखा हुआ है व्हाई इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, CS2 और एसीटोन का ये मिक्सचर है और लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये ऑलरेडी हमें इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो सवाल कहता क्या है भाई कि ऐसा क्यों, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसी का आंसर देते हैं कि भाई जब भी कभी कोई पर्टिकुलर मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, ये काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी कमज़ोर है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं और एसीटोन के एसीटोन बॉन्डिंग की बात करूं तो इनकी जो क्रॉस बॉन्डिंग है ये कमज़ोर है इनकी एक्चुअल बॉन्डिंग से, समझ आया। सो रीज़न रहेगा ड्यू टू वीक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, ये बॉन्डिंग लिख सकते हैं आप लोग, इंटरेक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एज कंपेयर टू
एसीटोन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से पहला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उसमें मतलब इसी का पार्ट है, व्हाई व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर। तो आपने देखा कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करना, और ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर के रेसिप्रोकल होता है। तो लॉजिकल है कि ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ठीक है, ठीक। चलिए तो इतना लिखने के बाद चलते हैं अगले सवाल पे और समझते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल देखिए कितना सिंपल है, ऑल इंडिया में आया हुआ है, कितना सिंपल सवाल है, फटाफट आंसर दे दीजिए। ओरली देखते ही, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन वाले शो करते हैं, यानी इसका आंसर आएगा नेगेटिव, और मिनिमम वाले कौन से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। बच्चों सवाल बहुत ही अच्छा है, ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है कि x लिक्विड को जब y लिक्विड के साथ मिक्स किया और जो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जो सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा आया, और इस तरीके से जो वी मिक्सिंग आएगा वो कहीं ना कहीं जब आप निकालोगे, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ऐसा बोला है। अब लिखा है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो अब ऐसे केस में आपको याद होगा डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो किसके लिए आता है, तो लॉजिकली ये वाला केस जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए, किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन शोन, यहां पे लिख देते हैं शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ध्यान रखने का तरीका भी बता देता हूं, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो लॉजिकली होगा क्या, देखिए एक्स और वाई को मिलाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि एक्स और वाई के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक है। तो अगर बॉन्ड वीक होगा, वीक बॉन्डिंग होगी इनके बीच, तो उसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर ज्यादा रहेंगे और वॉल्यूम एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे केस में एक और चीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका कारण बॉन्डिंग कमजोर है, कमजोर बॉन्डिंग उसका कारण है, तो ए मतलब एक्स और वाई इनके जो वेपर्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे, और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो आप लोग समझ जाइए कि रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर है बच्चों? एक और चीज, एक्स और वाई के बीच कमजोर बॉन्डिंग है, अगर वीक बॉन्डिंग है तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर डाउन होगा, ये टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो दोनों आंसर है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ पहली लाइन का, और दूसरे सेंटेंस यानी दूसरी लाइन का है टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये होता कि मान लो एक्स और वाई के बीच जो कॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कि जो वॉल्यूम है, अगर मान लो वॉल्यूम डिक्रीज होता तो इसका टोटल उल्टा हो जाता, मतलब ये सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन शो करता, नेगेटिव डेविएशन शो करता, और एनर्जी लॉस होती। एनर्जी क्या होती बेटा, लॉस होती, और ऐसे केस में ये क्या शो करता, मतलब टेम्परेचर क्या होता, इंक्रीज हो जाता। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखें कि कब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है डिफाइन एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप की डेफिनेशन सबको आती है कि एजियोट्रॉप है क्या, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। क्या लिखेंगे, दीज आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जनरली बाइनरी लिक्विड्स होते हैं।
ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर वैसे तो डेफिनेशन इतनी क्लियर, अगर और प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप लिख सकते हो दे कैन नॉट सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लियर। इस तरीके से आप सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं किसकी, एज़ोट्रोपी। साथ ही साथ आप सबको पता है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसी वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप रखना है, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, और अगर नेगेटिव डेविएशन वाला हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। एक और अच्छी बात कि कम से कम एक एक सर्टेन एग्जांपल जरूर ध्यान रखें, एटलीस्ट एक एक एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के लिए आप जो है ध्यान रख लें आपका अल्कोहल और वाटर, सॉरी अल्कोहल और वाटर का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके लिए आप याद रख लें HNO3 और वाटर का एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट जरूर आप एज़ोट्रोप में ध्यान रखें, अदरवाइज तो बहुत कॉमन है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के जितने भी एग्जाम्पल आपने ध्यान रखे उनमें से कोई भी आप बता सकते हैं, और नेगेटिव डेविएशन के जितने एग्जाम्पल ध्यान रखें आप उनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दें। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों अगला सवाल कितना सिंपल है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स का। अभी वो पूछ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शोन बाय सच सॉल्यूशन हुज पार्शियल वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब जिनके कॉम्पोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मतलब रॉल्स लॉ के कंपेरिजन में ज्यादा आए, ऐसे केस में हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ। और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट इज lower than the expected Raoult's law, उससे कम आए, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं negative deviation। लैंग्वेज फॉर्म में बहुत easily आप समझाना, आगे example, एक एक example जरूर देना, जैसे कि आपको मैंने भी बताया था what is the sign, sign की बात करें तो भाई positive deviation वाले में लगभग sign आपको पता है कि डेल्टा H mixing हो या डेल्टा V mixing, ठीक, greater sign रहते हैं ये देखो। और अगर नेगेटिव डेविएशन वाले हो तो ये कॉमनली पूछ लेते हैं भाई, तो नेगेटिव डेविएशन वाले के ध्यान रखने पड़ेंगे कि उसके उल्टे हो जाएंगे, लोअर देन जीरो हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन का, तो ये पूछ रहा है आपसे से साइन पूछ रहा है मतलब पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आपका लास्ट सवाल ये रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें जो कि रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हर एक कंडीशन पे, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए लॉजिकल फैक्ट हमने सीखा हुआ है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच वो बराबर नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो के बराबर नहीं आती और जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज भी जीरो के बराबर नहीं आता, ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई व्हाट आर दीज डेविएशन, इसमें पूछा है कि ये कौन कौन से, तो हमने सीखा है एक है जो नेगेटिव डेविएशन होता है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ के कंपैरिजन में लो वेपर प्रेशर शो करते हैं, एक है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली रॉड्स लॉ के बेसिस पे बोले तो यहाँ पे क्या होता है पी ए नॉट, मतलब ये पी ए जो होता है आपका यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर वो इसके इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं आता और सेम दूसरे कॉम्पोनेंट के भी बराबर नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो अब देखा जाए नेगेटिव डेविएशन में ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉज पूछा है कारण पूछा है, तो कारण एक ही है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है प्योर वाले के कंपेरिजन में और एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और यही कारण है बच्चों
यही कारण है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि इसके केस में जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो कंपोनेंट्स का कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है, इस वजह से ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम आता है, ठीक बच्चों। तो ये इसका रीजन रहेगा जो सीधे ही आप बता सकते हैं, क्लियर बच्चों, सीधे ही आप बता सकते हो। इवन इनके भी एग्जाम आप दे सकते हो वैल्यूज डेल्टा एच मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है तो ये भी क्या होता है लेस देन जीरो, और वॉल्यूम भी आपका क्या होता है लेस देन जीरो, क्या होगा ये रहे आपका, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे करना होता है। आपको ये पूरी डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ इतना बताना है कि ये पूरा खेल जो हुआ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो कमजोर रहती है, ठीक है, जैसे वहां पे ताकतवर हो जाती है यहाँ पे कमजोर रहती है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के कंपैरिजन में, और जस्ट इसका उल्टा जो भी आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सभी चीजों के साइन ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपका ए कंपोनेंट का प्रेशर हो, बी कंपोनेंट का, या टोटल प्रेशर हो, या आपका डेल्टा एच मिक्सिंग हो बच्चे, या फिर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग हो, ये सारी चीजें जो है बच्चों ये जीरो से ज्यादा है। तो सभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स का कारण कौन है, कारण ये है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अलग अलग होना, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जब बराबर नहीं होता तो नॉन आइडियल केस बनते हैं। नॉन आइडियल के दो केसेस हैं, अगर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पॉजिटिव, और अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव। ओके बच्चों।